আপনারা দেখছেন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি, সর্বদা সবার পাশে সবার মাঝে। পশ্চিমবঙ্গে অত্যন্ত হেভিওয়েট কেন্দ্রগুলোর মধ্যে লোকসভা কেন্দ্র ছিল বহরমপুর, আর এই বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্র নজর ছিল সবারই। আর এই লোকসভা কেন্দ্রে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি, যিনি 25 বছরের সাংসদ ছিলেন, তার বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তারকা প্রার্থী ইউসুফ পাটেলকে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং ইউসুফ পাটেল অধিক চৌধুরীকে 76,000 ভোটের বেশি জয়ী হবার পর উচ্ছ্বাসিত তৃণমূল কর্মী সবুজ আবিরে ভাসলেন মুর্শিদাবাদ। অন্যদিকে নিজের পরাজয় স্বীকার করে নিতে মুহূর্ত দেরি করলেন না অধীর রঞ্জন চৌধুরী। 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির প্রতিনিধি বিশেষ উতাওয়াল মত করিয়ে सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद। जितने भी लोग यहाँ पे मेरे साथ पहले दिन से अब तक यहाँ पर है, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने भी कर्मी हैं यहाँ के, उनकी जीत है। तो मैं सबको धन्यवाद करता हूँ, सबको मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, इतिहास बनते हैं इतिहास टूटने के लिए, और रिकॉर्ड बनते हैं रिकॉर्ड टूटने के लिए। ये चीज मैंने सीखी है। और देखिए, अधीर जी का मैं सम्मान करता हूँ, उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो काफी सीनियर लीडर है और उनका हमेशा सम्मान भी करता रहूंगा और रिस्पेक्ट भी करता रहूंगा। अभी तो आप एमपी हो गए, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे ये बहरमपुर में? देखिए, मैंने जो वादे किए यहाँ के लोगों से, सबसे पहले मैंने वादा किया था कि यहाँ पे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा मैं। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों के लिए यहाँ पर स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा, ताकि वो अपना जो सपना है, अपना जो फ्यूचर है, वो बना सके, स्पोर्ट्स खेल सके अच्छे से। जो भी फील्ड में वो पार्टिसिपेट करना चाहे, तो उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे बनाऊंगा। साथ साथ में उनसे वादे किए कि इंडस्ट्रीज वगैरह के लिए जो काम करने हैं तो वो करूँगा। और अब आपको मैं कहता हूँ कि अपने यहीं पर रह के यहाँ के लोगों के लिए काम करूँगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, परमानेंटली तो नहीं रहूँगा मैं। मेरा घर बड़ौदा में है, गुजरात में, तो मैं बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ भी रहूँगा। और दिल्ली में भी काम होगा तो दिल्ली में भी जाना पड़ेगा मुझे, वहाँ पे भी काम करना पड़ेगा। साथ साथ में जब जब मुझे मौका मिलेगा तब मैं बहरामपुर में आऊँगा, बहरामपुर के लोगों के साथ रहूँगा, क्योंकि ये एक मेरा नया फैमिली, एक बड़ा फैमिली मुझे मिला है यहाँ पर। तो मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर मुझे एक और फैमिली मुझे मिला और ये मेरा दूसरा घर यहाँ पर, तीसरा घर मेरा यहाँ पर बनेगा। जी बिल्कुल, मेरा लीडर से बात हुआ, दीदी से भी बात हुआ, अभिषेक बैनर्जी से भी बात हुआ मेरा, और काफी खुश है। जो सीनियर लीडर है बहुत खुश है, और मुझे भी बहुत खुशी है कि हम लोग यहाँ से जीते हैं। दादा, क्रिकेट प्लेयर से एमपी हो गए आप बहरमपुर के, ये कैसा फील, स्टेडियम में तो आप फील करते हैं कैसा लगे? नहीं, देखिए, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लोग मुझे एज ए क्रिकेटर जानते थे, मुझे लोग मुझे क्रिकेटर करके ही बुलाते थे और अभी भी क्रिकेटर करके ही बुलाएंगे आई एम श्योर, क्योंकि मेरी जो पहचान बनी है, क्रिकेट खेलते हुए पहचान बनी है। और साथ साथ में यहाँ के लोगों ने जो सम्मान दिया और जो रिस्पेक्ट दिया, साथ साथ में जो टीएमसी ने मुझे यहाँ पर, এতদিন অপরাজিত ছিলাম, এখন এখন পরাজিত, এর বেশি কি বলবো? এতদিন অপরাজিত ছিলাম, এখন পরাজিত। পৃথিবীর সব রাজনৈতিক নেতাদের জীবনে পরাজয়ের ঘটনা। ইন্দিরা গান্ধীকেও হারতে হয়েছে, কখনো কখনো রাহুল গান্ধীকেও হারতে। আমি কি করতে পারি? মানুষ ভোট দেয়নি, মানুষ দয়া করেনি, দোয়া করেনি, আশীর্বাদ করেনি, আমি কি করতে পারি? তাই হেরেছি। যে হারটাকে মেনে নেওয়াটা হচ্ছে রাজনীতিক ব্যক্তির একটা দায়িত্ব, আমি সেই দায়িত্ব পালন করে বলছি। মানুষ যা করেছে ঠিক করেছে, আমি হেরেছি, আর কিছু। আজ এ পর্যন্ত, সঙ্গে রাখুন 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভি, দেখতে থাকুন সব জেলার সব খবর, সবার আগে 24 ঘন্টা ইন্ডিয়া টিভির পর্দায়। নমস্কার।